सब्सक्राइब कीजिए पीके ट्यूब उर्दू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं पीके ट्यूब उर्दू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरह अपना 3G का मोबाइल 4G सपोर्टेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पीछे से सपोर्टेड आते हैं कि ये मोबाइल फलां मोबाइल 3G सपोर्टेड है, फलां मोबाइल 4G सपोर्टेड है। तो इस वीडियो में मैं टोटली आपको बताने वाला हूं कि किस तरह हम अपने मोबाइल को 3G को 4G में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है जहां पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वहां पे क्लिक करके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही मौजूद बेल के आइकन पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। तो दो ऐप आपने इसको डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, या दोनों इन ऐप को आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने जस्ट इसको ओपन करना है। ये दो ऐप है, दोनों ये वर्क करती हैं, ठीक है। तो इन दोनों ऐप को हमने दोनों को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो जब हमने इनको लेकर आना है, इस दोनों ऐप को हमने इकट्ठा डाउनलोड करना है, मतलब कि दोनों ऐप ही हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज अगर आप एक करते हैं तो आपका काम नहीं होगा, ये दोनों ऐप मिलकर ही काम करती है, ठीक है। तो इसमें कुछ हमने खास नहीं करना, बस इसको आपने इंस्टॉल कर देना है अपने मोबाइल में, ठीक है। उसके बाद इसको करना है सॉफ्टवेयर 2G 3G 4G, इसको हमें ओपन करना है, ठीक है। ये देखें, यहां पे आ जाए, आपने यहां पे कर देना है यहां पे 2G 3G 4G, ठीक है, LTE, ठीक है, और यहां पे LTE 4G LTE आपने कर देना है। ये दोनों सेटिंग आपने ध्यान से देख लीजिए, आपने यहां पे करनी है और नीचे आ जाना है। नीचे आपने कोई ऐसी सेटिंग नहीं करनी, ये वाला ऑप्शन आपका ऑन होगा, हो टुकना तो आपने इसको ऑफ कर देना है, और ये ऑफ होगा इसको आपने ऑन कर देना है। बस इतना इसमें काम है, ठीक है। काम करने के बाद आपने बस कोई इसमें चला नहीं, बस अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई कर दिया तो देखें ऊपर मेरे मोबाइल पे आप देख सकते हैं 3G का निशान आ गया है। अब आपने ऐसा करना है कि अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करना है और इंटरनेट यूज कर सकते हैं। आपका मोबाइल 4G कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आपका 3G ही शो करेगा, लेकिन जो आपकी स्पीड है वो 3G की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ये टेस्टेड एप्लीकेशन है, टेस्टेड हम कर चुके हैं, इसके बारे में फिर जाके हमने ये वीडियो अपलोड की है। तो फ्रेंड, अपने मोबाइल को रजिस्टर करें और दोबारा, अगर मैं रजिस्टर करूंगा तो मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो हट जाएगी, इस वजह से मैं नहीं करना चाह रहा। आप रजिस्टर करें, मोबाइल को यूज करें और इसकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है इससे। तो जिसके बाद आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो 4G के लगभग हो जाती है, तो आप 4G यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए लाजमी है ये है कि आपकी जो सिम है वो 4G कन्वर्ट जरूर हो, मतलब कि पहले सिम में 2G होती थी, फिर 3G, अब 4G। अब आपकी सिम 4G होगी तब ये आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।